हरे कृष्णा। कई बार लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि श्रीमती राधा रानी का वर्णन बाद में कभी आया नहीं। कृष्ण करीब 10-11 वर्ष के थे जब वृंदावन छोड़कर चले गए, फिर मथुरा कुछ वर्ष रहे और फिर मथुरा से द्वारिका गए और द्वारिका में काफ़ी समय तक रहे। कृष्ण ने करीब 125 वर्ष तक यहाँ लीला की और कृष्ण के स्वधाम गमन का वर्णन फिर भी है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का कहीं वर्णन नहीं आता। तो प्रश्न आता है क्या हुआ, तो इसका भी वर्णन किया गया है। ऐसा हुआ था कि जब करीब 100 वर्ष हो गए श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को अलग हुए, या कहना चाहिए कि 125 वर्ष की आयु जब हो गई थी, तो उस समय में सिद्धाश्रम नाम के एक स्थान पर सारे ब्रजवासी आए थे और यहाँ द्वारकावासी भी कृष्ण के साथ सब आए थे। वसुदेव थे, देवकी थे, सब लोग वहाँ आए थे, नंद महाराज आए थे। तो वहाँ पर श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की भेंट हुई। तो ऐसा हुआ कि जब श्री कृष्ण आए तो वो सब लोगों से मिले, नंद महाराज इत्यादि से, फिर द्वारकावासी अपने धाम अपने स्थान वापस चले गए। और वहाँ वर्णन है कि श्री कृष्ण भी वासुदेव के रूप में उनके साथ वापस चले गए, लेकिन कृष्ण के रूप में, मूल रूप में वो वहीं रह गए। और फिर वो नंद महाराज इत्यादि से मिले और उन्होंने फिर नंद महाराज से कहा कि ठीक है, आप लोग भी ब्रज में जाइए। और फिर वे राधा रानी से मिलने गए और श्रीमती राधा रानी बहुत समय बाद उनसे मिली तो कई प्रश्न किए उन्होंने कि क्यों आपने कंस का वध किया, आपने ऐसे किए इत्यादि। फिर अंत में श्रीमती राधा रानी ने कहा कि चलिए अब हम वापस ब्रज चलते हैं, और श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। तो फिर वे लोग दोनों वो सब वापस आए सारी सखियों के साथ। जब नंद महाराज इत्यादि को पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए, तो सबने बड़ा स्वागत किया, कृष्ण वापस आए हैं। फिर कृष्ण कई स्थानों पर गए, भांडेर वन गए इत्यादि। और फिर जब समय आया तो वहाँ पर भांडेर वन के निकट उन्होंने सारे ब्रजवासियों को बुलाकर फिर श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने समझाया कि ये जो भौतिक जगत है, ये रहने लायक स्थान नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, और अब बहुत जल्द ही अब कलयुग आने वाला है, तो इसलिए अब आप सबको भी वापस अपने धाम जाना चाहिए। तो ऐसे कहकर जब वे सब बातचीत कर ही रहे थे तो उसी समय एक बहुत प्रज्वलित रथ ऊपर से आया, गोलोक से, बहुत प्रकाशमान रथ था और उसमें कई कमरे थे। ऐसा वर्णन है कि लाखों कमरे थे, बहुत बड़ा था। और फिर उस रथ पर जितनी गोपियां थीं वो सब सवार हो गईं और फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से श्रीमती राधा रानी भी उस विमान पर या उस रथ पर सवार हो गई, या रथ कह लीजिए या विमान कह लीजिए, तो उस पर सवार हो गई। उनके साथ उनकी माता कीर्तिदा भी गई। और फिर जब ये रथ या ये विमान, सारे गोपियां जब उस पर सवार हो गई, श्रीमती राधा रानी भी हो गई, तो फिर ये उनको लेकर सीधे गोलोक में प्रवेश कर गया। तो श्रीमती राधा रानी ने सदेह जो उनका आध्यात्मिक देह था उसी में उन्होंने गोलोक में प्रवेश किया। उन्होंने साधारण व्यक्ति की तरह देह को नहीं छोड़ा था, क्योंकि साधारण व्यक्तियों के देह में और आत्मा में अंतर होता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी ये पूर्ण चिन्मय हैं, इनके देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने देह को नहीं छोड़ा। वे उसी देह में उस विमान पर बैठकर फिर गोलोक में प्रवेश करती हैं। और फिर वहाँ का भी वर्णन है कि वहाँ पर कैसे उनका स्वागत करते हैं, उनको कई स्थानों पर लेकर जाते हैं, उनके लिए कई उनके स्वागत की तैयारियाँ वहाँ पर की गईं। और फिर वो अलग अलग जगहों पर गईं, वो जहाँ पर नदी में यमुना के तट पर गईं, पर्वतों पर गईं, और फिर अंततः वो अपने घर में प्रवेश करती हैं जहाँ पर उनका बहुत स्वागत होता है। तो श्रीमती राधा रानी ये
उसी समय जब कृष्ण के जाने के पहले ही ये वर्णन है कि सिद्धाश्रम के बाद, सिद्धाश्रम में मिलने के बाद फिर ब्रज में से वे अपने धाम वापस चली गईं। तो श्रीमती राधा रानी का ये जो स्वधाम गमन है, अपने धाम वापस जाना, ये बड़े महत्वपूर्ण है हम सबको ये सिखलाने के लिए कि जैसे हम देह छोड़ते हैं, हमारी मृत्यु होती है, हम भय से छोड़ते हैं, हमें डर होता है क्योंकि हमें अज्ञान है, हम जानते नहीं हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। लेकिन जो भक्त होते हैं वे मृत्यु को समझते हैं, इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं बल्कि मृत्यु का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि अज्ञानियों के लिए मृत्यु एक काल अंधकार में जाने समान है, लेकिन भक्तों के लिए मृत्यु एक शाश्वत जगत में प्रवेश करने का मार्ग है। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी ने जब अपने देह को लेकर इस सदेह के में ही वो धाम में प्रवेश करके दिखलाती हैं कि आध्यात्मिक जगत पूर्ण चिन्मय है, वहाँ पर आत्मा और शरीर में भेद नहीं है। तो इस लीला से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए कि दरअसल आत्मा के रूप में हम सब का भी स्थान आध्यात्मिक जगत है और हम सबको भी एक दिन वहीं जाना है, लेकिन हम जा सकेंगे भक्ति मार्ग का पालन करके, कृष्ण की सेवा करके। तो इस जीवन में कृष्ण की सेवा को महत्व देते हुए अगर हम अपना जीवन बिताते हैं तो निश्चित जीवन के अंत में भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।